तो फाइनली, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 2 दिनों के बाद यानी 29 सितंबर 2023 से पूरे बिहार में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल होने जा रही थी। लेकिन इसी बीच ICDS विभाग ने एक पत्र जारी किया, बहुत ही जरूरी पत्र है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि परसों से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने वाली है, लेकिन उम्मीद यही थी कि कहीं ना कहीं इस बीच में संघ के द्वारा कोई ना कोई मीटिंग बैठक वगैरह की जाएगी। ICDS ने पत्र जारी करके ये बता दिया है कि समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी और बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन यानी संघ के जो भी अध्यक्ष अध्यक्ष जो उसके नेतृत्व करता है, उनके बीच एक स्पेशल बैठक जो है आज 11 बजे, जी हाँ, आज 27 सितंबर 2023 को सुबह 11 बजे पटना में होने वाली है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि इतने बड़ी बड़ी जब मांगे हैं सरकार से, और इस बार पूरे बिहार में बहुत एकजुटता से मजबूती से हड़ताल शुरू होने वाला था, तो फिर अचानक जो है आज मीटिंग क्यों बुलाई गई है? क्या इस मीटिंग में कोई बड़ी घोषणा हो सकती है? मदन सहनी जी इस पर क्या कह सकते हैं? या फिर हर बार की तरह इस बार फिर सेविकाओं को ठग दिया जाएगा, सिर्फ आश्वासन देके छोड़ दिया जाएगा? पूरा मामला क्या रह सकता है, हड़ताल होगा या नहीं होगा, आज के इस मीटिंग के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। चलिए आगे हम आपको ऑफिशियल लेटर दिखाते हैं जो ICDS की ओर से जारी किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना हो सके वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। कई सेविकाओं को बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा कि परसों से 29 सितंबर से हड़ताल होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि संघ कुछ बातों को मान ले और समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी कुछ जो मांगे हैं हमारी उनको मान ले, इसके बाद जो है हो सकता है हड़ताल नहीं भी हो। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए पहले ऑफिशियल लेटर दिखाते हैं, आज शाम का हम वेट करेंगे कि इस पर क्या डिसीजन निकल के सामने आया। तो फाइनली बिहार से जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इस वीडियो को इस खबर को देख रही हैं, चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, मैं आपको बता दूं कि पहले आपको वीडियो पूरा देखना है, एक एक बात आपको समझ लेना है कि ICDS विभाग ने यह पत्र क्यों जारी किया हुआ है। और जी हां, आज सुबह 11 बजे मंत्री मदन सहनी जी आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ के जो भी नेता हैं उनसे एक स्पेशल बैठक करने वाले हैं। आज कोई बड़ा डिसीजन आ सकता है या फिर से सेविकाओं को ठगा जाएगा, सारा चीज़ आज के इस मीटिंग पर डिपेंड करेगा। तो पूरी खबर को देखिएगा, मैं शुरू में ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार कहता हूँ, अगर जानकारी आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज ही इसका डिसीजन आएगा, मीटिंग होने वाली है। तो क्या पता 29 तारीख को होने वाला हड़ताल हो या नहीं हो, इस पर भी अब कन्फ्यूजन और खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार पूरे बिहार में इतनी ज़्यादा एकजुटता और सभी जिलों की रिपोर्ट लेकर के मैं आ रहा था कि सभी जगह लगभग लाखों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सभी इस बार तैयार थी, और इस बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए होता, लेकिन संघ के साथ जो मीटिंग की जा रही है आज, अचानक ही मीटिंग बुलाई गई, इसके लिए ICDS ने पत्र जारी किया, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो 29 सितंबर का हड़ताल भी अब कन्फ्यूजन में आज के डिसीजन पर निर्भर करेगा। तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके अभी आप इस वीडियो को अपने सभी वर्कर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको मालूम चल पाए कि आज जो मीटिंग होने वाली है उस पर डिपेंड करेगा कि हड़ताल होगी या नहीं होगी और कौन कौन सी मांगे रहेगी संघ की, सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन पूरा देखिएगा। देखिए, बिहार सरकार ICDS निदेशालय ने इस पत्र को जारी किया गया, एक ऑफिशियल लेटर है, संचिका संख्या है 5408 और 26 सितंबर 2023 कल शाम को इस लेटर को अचानक जारी किया गया। लेटर को जारी करने वाले सांख्यिकी पदाधिकारी ICDS निदेशालय, और साथ में देखिए पहली बार आपको बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा कि ICDS के ऑफिस से इस लेटर को संयोजक मंडल बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति बिहार पटना को जारी किया गया है। यानी ICDS ने इस पत्र को जो है सीधे सीधे बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक मंडल को जारी किया है, यानी नेता लोगों को जारी किया गया है। पत्र का विषय देखिए कि देख करके आपको जानकारी मिल जाएगी। लिखा गया है, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग यानी मदन सहनी जी की बात की जा रही है, मदन सहनी के साथ वार्ता है तो उपस्थित रहने के संबंध में, यानी मदन सहनी आप सीधे संघ के नेताओं से कुछ वार्ता करेंगे, इसी वार्ता से डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की घोषणा सरकार करती है, मांग पूरी होती है लिखित रूप में या फिर सिर्फ आश्वासन मिलता है, या सेविकाओं को ठगा जाएगा हर बार की तरह। लिखा गया है, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि निर्देश अनुसार बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन अदालतगंज पटना के अधिकारियों के साथ, देखिए जो नेता अधिकारी यहाँ पर रहते हैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति, इनका ऑफिस पटना के केदार भवन में है, अदालतगंज में पड़ता है, इनके अधिकारियों के साथ 27 सितंबर 2023, जी हाँ, आज ही पूर्वाह्न 11 बजे सुबह में माननीय मंत्री
समाज कल्याण विभाग के साथ उनके कार्यालय कक्ष में वार्ता हेतु तिथि या समय निर्धारित किया गया है। वार्ता हेतु निर्धारित तिथि को ससमय भाग लेना सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पर देखिए सांख्यिकी पदाधिकारी ICDS का सिग्नेचर और 26 सितंबर का डेट देखने को मिल जा रहा है। इस लेटर का प्रतिलिपि यानी कॉपी जो है समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव और साथ में माननीय मंत्री के भी आप सचिव को सौंपा गया है। अब देखिए आज 27 सितंबर को जो 11 बजे मीटिंग होगी, 2-3 बजे तक इसका डिसीजन आ जाएगा। इस पर डिपेंड करेगा कि परसों से हड़ताल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा एकजुटता दिख रही थी। सरकार को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि इस बार आंगनबाड़ी वर्कर्स नहीं रुकेंगी, अपनी मांगों को लेकर रहेंगी, लेकिन हर बार की तरह इस बार जो है सिर्फ संघ के नेताओं को जो बुलाया गया है। सबसे बड़ी दुख की बात ये होगी कि अगर मान लीजिए मंत्री जी ने सिर्फ आश्वासन दिया हर बार की तरह और इस बार हड़ताल टूट गया, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कहीं ना कहीं संघ में बहुत बड़ा राजनीति खेल चल रहा है, बहुत बड़ी कमी है। आंगनबाड़ी वर्कर से कोई मतलब नहीं है संघ को अगर आश्वासन पर यह हड़ताल टूट जाता है। अगर ऐसा होता है कि मंत्री जी के द्वारा, विभाग के द्वारा कोई बहुत बड़ी घोषणा लिखित रूप में दी जाती है और मानदेय या फिर जो भी मांग थी कि मानदेय 24,000-20,000 किया जाए या फिर अस्थायी किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पेंशन दिया जाए, और सर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को ग्रेचुटी यानी रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिलता है वो दिया जाए, मोबाइल रिचार्ज प्रशासन को दोहराई किराए का पैसा समय से दिया जाए, मानदेय का जो भी पैसा हो वो समय से दिया जाए, इन सब मांगों को अगर सरकार लिखित रूप में मानती है तो हड़ताल तोड़ना जायज है, यानी हड़ताल नहीं होगा तो ठीक है। अगर आश्वासन पर हड़ताल तोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें संघ की गलती मानी जाएगी। आज शाम तक क्लियर होगा कि फाइनली क्या होने वाला है। तो मैं फिर से कहूँगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई लेकिन जानकारी बहुत इंफॉर्मेटिव थी, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस छोटे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, शाम तक हम देखेंगे कि आखिर क्या हुआ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।